सौ शहर सौ खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर से। सीएम नीतीश कुमार की विकास समीक्षा यात्रा के दौरान मोतिहारी के बलवा गांव में सीएम नीतीश के सामने ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने सीएम को गांव दिखाने की चाहत रखी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सीएम गांव देखने नहीं जाएंगे, लोगों ने सीएम के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। सीतामढ़ी में 14 दिसंबर यानी कल सीएम नीतीश आ रहे हैं। विकास समीक्षा यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी गांव में आएंगे। ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री का इस गांव का दौरा करेंगे। सीतामढ़ी का पूरा प्रशासनिक महकमा पिछले कई दिनों से गांव में ही कैंप कर रहा है। विकास समीक्षा यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी में सीएम नीतीश ने 7 निश्चय योजनाओं की पड़ताल की। इस दौरान सीएम ने 229 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही 67 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। सहरसा में मुखिया संघ के विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री ग्राम गली नाली पक्कीकरण योजना की शुरुआत की गई है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज खंड के देहद पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत पीसीसी सड़क के निर्माण कार्य को लेकर पंचायत के मुखिया तुम सिंह द्वारा प्रखंड प्रमुख ललिता देवी की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया। मोतिहारी में सीएम ने परशुराम स्टेडियम में जीविका दीदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के बीच स्पोर्ट्स किट का वितरण किया। साथ ही शौचालय निर्माण करा चुके लोगों को सीएम राशि भी दे रहे हैं। छात्रों के बीच सीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया। पटना में पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी धरने पर बैठ गए हैं। गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिलने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने ही सहयोगी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मधु कोड़ा को दोषी करार देने पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। जो जिन कर्मों से लिप्त रहेंगे उन्हें सजा होगी ही, चाहे वो मधु कोड़ा हो, ओम प्रकाश चौटाला हो या फिर लालू यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी के तुरकौलिया के परशुरामपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों के घरों में जाकर 7 निश्चय की हकीकत को जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने जल मीनार का उद्घाटन भी किया। पटना में संविदा पर बहाल एएनएम कर्मियों ने जोरदार हंगामा किया। सचिवालय पहुंचकर एएनएम कर्मियों ने हंगामा किया। उन्होंने स्थायी नियुक्ति समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और एएनएम कर्मियों के बीच हाथापाई हुई। सचिवालय कर्मियों को महिलाओं ने बंधक बना लिया, जिन्हें 4 घंटे बाद छुड़ाया गया। आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने केंद्रीय मंत्री के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना में तेजी लाने को लेकर पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सांसद ने बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के कोल्हार गांव को गोद लिया है, जहां 37 योजनाओं में से अब तक 7 ही पूरी हो सकी है। पटना सिटी में हाउसिंग कॉलोनी को खाली कराने का विरोध में बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा धरने पर बैठे। इस दौरान बीजेपी के विधायक ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगमकुआं आवास बोर्ड कार्यालय के बाहर बीजेपी विधायक ने धरना भी दिया। कैमूर में गैस की चपेट में आने से 2 मजदूर झुलस गए। हादसा दुर्गावती थाना क्षेत्र के अमित सॉल्वेक्स कंपनी का है। हादसे में एक मजदूर के इलाज के दौरान मौत हो गई। 22 वर्षीय मृतक सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। बीती रात कंपनी के गैस लीकेज में आने से यह हादसा हुआ। पटना में इलाज के दौरान निजी नर्सिंग होम में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हुई। पूर्णिया में अपराधियों ने एक खाद व्यवसायी को लूट के बाद गोली मार दी। व्यवसायी रमेश शाह को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। रमेश शाह का कहना है कि रात में वो दुकान बंद करके निकल रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आए और काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए ले गए। पटना के बिहटा प्रखंड में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक मेडिकल दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर आसानी से फरार हो गए। वारदात बिहटा के चीनी मिल रोड की है, जहां केशरी मेडिकल एजेंसी को निशाना बनाया गया। हालांकि इस फायरिंग में दुकान मालिक राजीव भारती बाल बाल बच गए।
किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के आमबाड़ी में किसान की जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि गांव का ही दबंग परिवार किसान अनिसुर रहमान की 43 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि पीड़ित अनिसुर के पास जमीन का सारा दस्तावेज भी मौजूद है। नवादा का काशीचक प्रखंड स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। यहां के लोग अभी भी खुले में शौच को मजबूर हैं। यहां सार्वजनिक शौचालय नहीं रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। यह हाल तब है जब यहां खुले में शौच जाते पकड़े जाने पर जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। पटना के सीएम हाउस में तैनात पुलिसकर्मी अशोक रजक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस ड्यूटी जाने के दौरान यह हादसा हुआ। ट्रक ने मोटरसाइकिल से जा रहे अशोक रजक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा अनीसाबाद मोड़ के पास हुआ। गया में नक्सलियों ने दहशत फैलाने को लेकर कई जगह पर पोस्टर लगाए। पोस्टरबाजी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला इमामगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी गुड़िया और लुटुआ गांव का है। पटना के सुल्तानगंज थाना में रहने वाली एक महिला पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान है। महिला की 8 साल की बेटी लापता है। महिला आरोप लगा रही है कि पड़ोस के युवक ने बच्ची को अगवा कर लिया है, लेकिन सुल्तानगंज थाना से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मजबूरन पीड़ित महिला को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगानी पड़ी। भोजपुर बंद के बीच प्रदर्शनकारियों ने रेल लाइन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बवाल किया है। आरा स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने एक लाइन संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट और दूसरी लाइन पर मालगाड़ी के सभी हॉर्स पाइप काट दिया। बाढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां नौबतपुर इलाके में एक इंसानी दरिंदे ने 5 साल की बच्ची से पहले दुष्कर्म किया, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। सुबह सुबह बच्ची का शव ईंट के खेत में मिला, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में बिना आवंटन के रह रहे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। धरना दे रहे लोगों में समर्थन में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा भी उतर आए हैं और वो भी धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि आवास बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना आवंटन पर रह रहे लोग मकान को खाली करें। दरभंगा में बाइक से चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने नगर थाने के नाका नंबर 5 से गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया है। जिनके पास एक दर्जन मोबाइल, एक लैपटॉप, घड़ी, बाइक के साथ साथ विदेशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, नेपाली टाइगर और ताला तोड़ने के भी हथियार बरामद हुए। कटिहार में 73 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक बाइक भी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक तस्कर बंगाल से शराब लेकर आ रहे थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अभी भी मुंगेर में कई ऐसे धंधेबाज हैं जो शराब की तस्करी कर मोटी कमाई कर रहे हैं। हालांकि इन कई तस्करों को पुलिस ने पकड़ा और जेल भी भेजा, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे शराब की अवैध रूप से तस्करी जारी है। शराब माफिया इस धंधे में लड़कियों, महिलाओं और विकलांगों का इस्तेमाल करने लगे हैं। बांका के पुलिस केंद्र में 282 प्रशिक्षु सिपाहियों की परेड की सलामी। डीआईजी विकास वैभव ने ली अनुकंपा पर नियुक्त, और वैसे सिपाही जो किसी कारण प्रशिक्षण नहीं लिए थे उनका भी परेड हुआ। मौके पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार, एसपी चंदन कुमार कुशवाहा, एसडीपीओ एसके दास मौजूद थे। झारखंड के पूर्व सीएम मधुकाड़ा कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए हैं। दिल्ली में पटियाला कोर्ट की विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामला 2007 में झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी का है। मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी दोषी करार हुए हैं। सीबीआई कोर्ट में पूर्व सीएम मधुकोड़ा को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। मधुकोड़ा के पिता रसिका कोड़ा ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई के साथ सांठगांठ कर सच्चाई को प्रभावित किया है। कोयला घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा समेत 8 लोगों को दोषी करार दिए जाने पर मंत्री सरयू राय ने कहा है कि नेताओं के लिए एक सबक है। मधुकोड़ा के दोषी करार होने पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। कांग्रेस और जेएमएम ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार को मधुकोड़ा की पत्नी का समर्थन प्राप्त है। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने 2761 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष ने इसे आई वॉश और लूट का बजट बताया है। सरकार ने इसे अब तक का सबसे छोटा अनुपूरक बजट बताया है।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। सरयू राय ने कहा कि ये अब तक का सबसे छोटा अनुपूरक बजट है, इसका वार्षिक बजट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने कोच संख्या S3, S4, S11 में करीब 10 यात्रियों से लूटपाट की है। यात्रियों के मुताबिक जसीडीह से ही हर बोगी में 4 से 5 की संख्या में संदिग्ध लोग चढ़े थे। लूटपाट के बाद यात्रियों ने करीब 2 घंटे तक चांडिल रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। ट्रेन में लूट के खिलाफ रेल यात्रियों ने साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन को घंटों रोके रखा। हंगामे पर उतरे रेल यात्रियों का आरोप है कि पटना से टाटानगर और रायपुर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन में जसीडीह स्टेशन के पास लूटपाट की गई, लेकिन कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं पहुंचा। चतरा में सवैया गढ़ा के पास लुटेरों ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक राहगीरों के साथ लूटपाट की। लुटेरों ने राहगीरों से एक मोटरसाइकिल भी लूट ली है। बाइक सवार संजय से 22,000 रुपए भी लूट लिए हैं। वहीं राजपुर थाना क्षेत्र के कादे गांव के सेना के जवान राजेंद्र साव से 40,000 रुपए लूट लिए गए और जवान के साथ मारपीट भी की गई। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्टा बाजार स्थित जेवर की दुकान में 8 लाख के जेवरों की चोरी हो गई। चोरों ने भुवनेश्वर सोनार की दुकान में धावा बोला और बांस चाबी से शटर और तिजोरी का ताला खोलकर चोरी को अंजाम दिया। चोरी की घटना के बाद इलाके में सनसनी। जमशेदपुर में इन दिनों चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। चोर चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का है, जहां कुछ चोर एक दुकान में जा घुसे और करीब 45,000 रुपए समेत 3 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। मोकामा पुलिस ने कई सालों से फरार चल रहे साइको और सुपारी किलर राकेश सिंह और उर्फ कालू को गिरफ्तार किया है। राकेश बिहार झारखंड में कई संगीन वारदात को अंजाम दे चुका है। राकेश की गिरफ्तारी मोकामा के गंगा नदी किनारे मूलदिया टोला से हुई। धनबाद में कोयले की दिनदहाड़े लूट बढ़ती जा रही है। धनबाद के लोदना ओपी क्षेत्र के कुजामा कोलियरी में रोजाना 20 से 25 ट्रैक्टर कोयला चोरी हो रहा है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। न तो बीसीसीएल प्रबंधन इस पर रोक लगा रहा है, इससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। पुलिस के बल धनबाद की महुदा पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग बाइक से गिरकर घायल हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने पीएमसीएच में भर्ती किया है, जबकि अन्य 2 आरोपी जो बोकारो की तरफ भाग रहे थे उन्हें दबोचा। आरोपी के पास से 87,000 रुपए भी मिले। लातेहार के बालूमाथ मुरपा खलारी मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। हादसा हाईवा और बाइक सवार के बीच हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक पर 2 लोग सवार थे, वहीं घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। दुमका में एक शिक्षिका के तबादले को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। गुस्साए छात्रों ने दुमका देवघर सड़क को जाम कर दिया। हिंदी मध्य विद्यालय दुधानी के छात्रों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, तो गुस्साए छात्रों ने नए पदस्थापित शिक्षिका का विरोध कर जमकर नारेबाजी की। लातेहार के महुआ डांड प्रखंड के चापी पाट गांव में आदिम जनजाति के परिवार बदहाली में हैं। जिला प्रशासन ने इन आदिम जनजाति के परिवारों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से जल मीनार बनवाई थी, लेकिन ये सालों से खराब पड़ी हुई है, इसकी वजह से लोगों को नाले का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हार्दिक पटेल के करीबी रहे पाटीदार नेता दिनेश बंभानिया का बड़ा आरोप, कहा रॉबर्ट वाड्रा के साथ दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग। दिनेश बंभानिया ने मांग की है कि हार्दिक बताए राहुल और रॉबर्ट से सीक्रेट मीटिंग में क्या बात हुई। दिनेश बंभानिया ने आरोप लगाया, कहा हार्दिक ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर लोगों को धोखा दिया। रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात की खबरों से हार्दिक का इनकार, कहा मुझ पर नवाज शरीफ और दाऊद से मिलने के भी आरोप लगेंगे। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी का दावा, कहा दूसरे चरण में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कुल 125 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी को लेकर विरोध जताया गया। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, साइकिल फैक्ट्री के लिए ली गई जमीन वापस देने की मांग। अमरनाथ की पवित्र गुफा में अब नहीं लगेंगे जयकारे, प्रसाद ले जाने पर भी रोक, एनजीटी ने जारी किया आदेश। साइलेंट जोन की तरह होगी पवित्र अमरनाथ गुफा, घंटी बजाने और बोलकर मंत्र पढ़ने पर भी रोक लगेगी।
राम सेतु को लेकर अमेरिका के साइंस चैनल का तथ्यों के साथ दावा, सेतु पूरी कल्पना नहीं हो सकता। साइंस चैनल ने कहा, इस बात के प्रमाण है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक राम सेतु पर पाए जाने वाले पत्थर बिल्कुल अलग और बेहद पुराने हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंदू धर्म में भगवान राम द्वारा ऐसे ही एक सेतु के निर्माण का जिक्र है। रिसर्च से पता चला, पत्थर कहीं और से लाए गए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, राम सेतु भारत की सांस्कृतिक विरासत, इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में मंत्री के कथित सीडी कांड का मामला, सीबीआई ने आरोपी विनोद शर्मा के खिलाफ दो केस दर्ज किए। कथित सीडी केस की सीबीआई एफआईआर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल का भी नाम। कालेधन मामले में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश जैन शेल कंपनियों के लिए किराया लेते थे। राजेश जैन शेल कंपनियों से कालाधन सफेद करने की एवज में हर महीने 1,50,000 रुपए लेता था। 5 करोड़ रुपए सफेद करने का पता भी चला। दक्षिणी कश्मीर के नदीपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ। कुछ दिन पहले आई थी खबर, बीजेपी कार्यकर्ता मकबूल भट्ट आतंकियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पंजाब के गुरदासपुर में रावी नदी में मिली पाकिस्तानी बोट, जांच पड़ताल जारी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कटासराज मंदिर की दुर्दशा पर पंजाब सरकार की खिंचाई की। पूछा, मंदिर में भगवान राम, शिव और हनुमान की मूर्तियां क्यों नहीं है? मुंबई में इवेंट एंकर अर्पिता तिवारी की मौत बनी मिस्ट्री, 48 घंटे बाद भी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी। अर्पिता तिवारी के शरीर पर कई जख्म के निशान मिले। पुलिस हत्या की थ्योरी पर जांच शुरू कर चुकी है। 19वीं फ्लोर से गिर गई। अर्पिता के करीबी दोस्त लकी शर्मा ने उसके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाया है, कहा दोनों के बीच जरूर अनबन हुई होगी। तेलंगाना के महबूब नगर में महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव जंगल में छिपाया। बॉयफ्रेंड ने वारदात के बाद खुद को आग लगा ली। महिला उसे लेकर अस्पताल पहुंची, खुद के पति के तौर पर इलाज कराया। रिश्तेदारों ने शक के आधार पर पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने सख्ती से जांच की तो महिला ने सच कबूल किया। यूपी में भी मकोका की तर्ज पर कानून, यूपी मकोका को योगी कैबिनेट की मंजूरी, विधानसभा में विधेयक पेश होगा। यूपी के अफसरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी, योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जहरीला खाना खाने से 4 लोग बीमार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के अलीगढ़ में मेयर और सभासदों की शपथ के दौरान हंगामा, बीएसपी पार्षद ने उर्दू में शपथ लेने का विरोध किया। मुरादाबाद में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, मोबाइल फोन से शिनाख्त हुई, सिर पर चोट के निशान। दिल्ली में डीडीए डायरेक्टर और 2 कर्मचारियों पर रेप का केस दर्ज, महिला कर्मचारी रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। गुरुग्राम के सोहना ट्रिपल मर्डर केस में 3 लोग गिरफ्तार, करीब 5 लाख के लेन देन में हत्या लूट हुई थी। मध्य प्रदेश के उमरिया में किसान ने आत्महत्या की, फसल खराब होने की वजह से कदम उठाए। कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे छात्र ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में सिर्फ सॉरी लिखा, 4 दिन से परिवार से बात नहीं की। राजस्थान के भरतपुर में अस्पताल की पार्किंग को लेकर विवाद, कुछ लोगों ने पार्किंग में तोड़फोड़। राजस्थान के अलवर में छात्रा से छेड़छाड़ पर टीचर की पिटाई, पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मनचले की सरेआम पिटाई, युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप। इंदौर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, हजारों रुपए के नोट बरामद, 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार रेप पीड़ित महिलाओं का बंदूक का लाइसेंस देगी, महिला बाल विकास मंत्रालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा। ग्वालियर में दहेज मांगने के आरोपी पति और उसके साथियों ने पत्नी के परिवार वालों को पीटा, महिला थाने में समझौते के लिए पहुंचे। रायपुर में सीएम ऑफिस की वेबसाइट हैक, पाकिस्तानी हैकर की हरकत, 4 घंटे की कोशिशों के बाद डेटा सुरक्षित किया गया। दौसा के जिला अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की मौत पर हंगामा, परिवार वालों का लापरवाही का आरोप।
दिल्ली में कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर, 10 ट्रेनें रद्द, 13 लेट, एक का वक्त बदला गया। दिल्ली में कोहरे से विमान सेवा पर असर, एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी की वजह से 13 उड़ानें देरी से उड़ी। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लगातार बर्फबारी से हिमाचल के केलांग और लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे पहुंचा पारा, लाहौल स्पीति में तापमान -4.9 डिग्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ताजा बर्फबारी, पूरे इलाके में फैली सफेद चादर, यातायात ठप। यूनिटेक के डायरेक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत, को डायरेक्टर्स पर एनसीएलटी की रोक हटाई गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2018 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ घटाई, 7% से कम करके 6.7% रहने का अनुमान जताया है। देशभर में बिटकॉइन एक्सचेंज पर इनकम टैक्स का सर्वे, बिटकॉइन में निवेश के जरिए टैक्स चोरी की आशंका। फेड के फैसले से पहले बाजार सतर्क, निफ्टी 10,250 के पार, सेंसेक्स में 100 अंकों का ऊंचा। 28 कर्ज खातों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों के पास आज भर का वक्त, निपटारा नहीं होने पर एनसीएलटी में अकाउंट्स ट्रांसफर होंगे। इकॉनमी में कुल लगा डबल झटका, अक्टूबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार घटकर 2.2% पहुंची, 4.88% के साथ 15 महीने ऊंचाई पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। आतंकवाद पर अमेरिका ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा पिछले एक दशक में आई रिश्तों में खटास, अब बात करना अच्छा नहीं लगता। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि पाकिस्तानी जमीन पर चल रहे हैं आतंकवादी कैंप। ऑस्ट्रिया के बाउमगार्टन में गैस पाइपलाइन में धमाका, एक व्यक्ति की मौत, 18 लोग घायल। जकार्ता में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। नॉर्थ इटली में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, मौसम विभाग ने अभी कुछ और दिन बारिश का अलर्ट जारी किया। साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, बेकाबू, सैकड़ों घर जलकर खाक। एक्ट्रेस सोहेल अली खान की लिखी किताब मुंबई में लॉन्च हुई, कार्यक्रम में कुणाल खेमू, सैफ अली खान, करीना कपूर भी मौजूद। विराट अनुष्का इटली में शादी के बाद रोम में हनीमून मनाएंगे, एक हफ्ते की छुट्टी के बाद 21 दिसंबर को दिल्ली में रिसेप्शन होगा।